मदनपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। विकासखंड स्तर पर समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसके तहत शुक्रवार मदनपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जहाँ मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, खून जाँच, बेबी शुगर बलगम जाँच तो वहीं गर्भवती शिशु वती महिलाओं का सहित इस क्षेत्र के लगभग 200 लोगों का निशुल्क जांच परीक्षण उपरांत दवाई वितरण किया गया। उपचार के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रुपम मिंज ने लोगों को खान पान के तरीके और बीमारी से बचने हेतु सुरक्षित रहने की जानकारी दी। इस मेले में आरएमए रवि पहावा, डॉक्टर पूर्णिमा साहू नेत्र जाँच हेतु, अंजलि साहू लैब टेक्निकल, विकास यादव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रभात शंकर साहू मितानी के साथ में मदनपुर के ग्रामीण का सहयोग रहा। आज HWC मदनपुर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। करीबन 250 लोग यहाँ पे निशुल्क सेवा पाए हैं। ऐसे हर दिन होता है यहाँ पे निशुल्क सेवा ही, लेकिन आज स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था। तो सभी को ये सबको सेवा ये देना था कि जो भी दूर जैसे होता है PSC लखराम या फिर जो भी अपना रतनपुर इतना दूर नहीं जा सकते हैं, तो गाँवों के लिए सेवा देने के लिए ये आयोजन स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था। तो इसमें आज करीबन ज़्यादा से ज़्यादा BP और शुगर के मरीज पाए गए, जिनको पता ही नहीं था कि उनको शुगर और BP उनको ये उनका शिकार हो चुके हैं। तो आज उनका निशुल्क ये जांच होने के दौरान को पाया गया कि वो कब से उन लोग BP और शुगर का शिकार हो चुके हैं। उनको अच्छा नहीं लगता था, बट उन लोग कभी से अपने जाँच कराने के लिए गए नहीं। तो आज उन लोग आए और जाँच कराए तो उनको पता चला। तो ऐसे जब भी स्वास्थ्य मेला होता है या फिर कहीं भी निकट PSC या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप लोग वहाँ जाएं और अपनी जांच जरूर कराएं। इसमें हमारे यहाँ बहुतों को ऐसा है कि उनको मलेरिया भी है, TB भी है, बट उनको पता नहीं रहता है। बस उनको बस दिक्कत रहता है खांसी है, कम से कम एक सप्ताह से ज़्यादा खांसी होता है। तो आप लोग कृपया करके जल्दी से जाकर अपने निकटतम जो भी है या फिर यहाँ भी आ सकते हैं मदनपुर में भी, आप लोग जैसे खांसी होता है एक सप्ताह से ज़्यादा, तो आप लोग अपना खखार जरूर उसको देकर आप लोग कंफर्म कराएं कि मुझे TB की बीमारी है या नहीं, है ना। तो मैं इतना ही बोलकर आप लोग को यही सूचना मतलब अपना बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है हम सबके लिए। परिचय बताइए। मेरा नाम है रूपम मिंज, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मदनपुर। 26 तारीख हमारे गाँव मदनपुर में स्वास्थ्य मेला लगे रही से माए हैं, अपन इलाज करवाए हैं। मुला शुगर के प्रॉब्लम है और आँख में कड़वाहट और आँख में तकलीफ है। और शासन के जो भी ये प्रोग्राम चला थे बहुत अच्छा है, आम जनता को बहुत सहयोग मिला थे, सब खुश हैं। का नाम है आप मन के? मोर नाम देवी प्रसाद कौशिक। कहाँ रहते? ये मदनपुर में रह। कहाँ रह बाबा? कहाँ? ओला इलाज बढ़िया कर रहे थे। का का समस्या है आप मनला? मोर आँखी भी थोड़ा चिलमिलाहट है, BP भी है और सर्दी है, लेकिन इलाज करा इलाज बढ़िया हो से मैं खुश हूँ। बढ़िया इलाज हुई से? हाँ। तो बने कन दवाई दी? सब दवाई दी नहीं? पूरा सब दवाई मुकर दी से। तो सरकार की योजना के फायदा बढ़िया मिला थे आप? बढ़िया मिला थे। कहाँ है आप मन का? इच्छा। कहाँ रही था? मदनपुर।